हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग देख ही रहे होंगे हम लोग कहीं पे जा रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं असम। गर्मी में हम लोगों की हालत काफ़ी ख़राब हो रही है। हम लोग ओला से हावड़ा स्टेशन जा रहे हैं। ये टोटल एक हफ्ते का टूर है और 22 मेंबर्स जा रहे हैं। तो हम लोग कोलकाता से जा रहे हैं और भी दूसरे लोग अलग अलग जगह से जा रहे हैं। हम लोग असम के बाद मेघालय भी जाएंगे, मेघालय के डिफरेंट प्लेसेस को टूर करेंगे। तो यहाँ पर जो भी लोग जा रहे हैं हमारे रिलेटिव भी है। ये देखिए मेरे सारे रिलेटिव। अभी हम लोग कामाख्या रेलवे स्टेशन में पहुँच गए हैं। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। अभी हम लोग ऑटो स्टैंड में जाएंगे सभी मिलकर। यहाँ पर आसपास का व्यू काफी सुंदर है। हम लोगों का लगेज देखिए काफ़ी लोडेड है, सब बहुत सारे लगेज है, तो एक बार में हम लोग सब नहीं जा पाएंगे, इसलिए बारी बारी से जाएंगे। सोहम काफ़ी खुश होता है जब भी हम लोग कहीं घूमने जाते हैं। इस बार भी वो काफ़ी एक्साइटेड है, अपने भाई से भी मिलेगा वो, तो इसीलिए और भी ज़्यादा एक्साइटेड है। हम लोग लगेज रख के अभी हम लोग थोड़ा फ्रेश होकर कामाख्या मंदिर की तरफ जा रहे हैं। मैं भी पूरी तरह से रेडी हो गई हूँ। ये रहा कामाख्या मंदिर जाने का गेट। इससे यहाँ पर आपको मारुति या फिर किसी बस से आप लोगों को ऊपर जाना पड़ता है। पहाड़ के एकदम ऊपर है वो मंदिर। यहाँ पर चारों तरफ बहुत सारी दुकानें हैं, आप लोग कहीं से भी प्रसाद लेकर मंदिर के अंदर जा सकते हैं। तो हम लोगों ने भी एक दुकान चूज किया। हम लोग भी भगवान को चढ़ाने के लिए थोड़ा सा प्रसाद लेंगे। यहाँ पर है प्रसाद और फूल। सोहम काफ़ी बोर हो रहा था। एक्चुअली ये लाइन बहुत लंबी होती है, जो लोग सुबह आते हैं उन लोगों को घर जाते जाते शाम हो जाती है, तो इसीलिए दोपहर के बाद ही यहाँ पर आके लाइन में लगना चाहिए। और बच्चे लोग काफ़ी टायर्ड हो जाते हैं, इतनी लंबी लाइन होती है, धीरे धीरे जाती है, तो इसके लिए बच्चों को ना ही लाए तो ज़्यादा बेटर होगा। फाइनली हम लोगों की पूजा हो गई है और शाम भी हो गई है और हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से पूजा कर ली। तो माँ के दर्शन करके काफ़ी हम लोग का मन खुश हो गया और सोहम भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया हम लोगों को। चलो। जाते जाते हम लोगों ने पूरे मंदिर का एक चक्कर लगाया। मैं यहाँ पर पहले भी आ चुकी हूँ सोहम को लेकर, तब हम लोगों ने पूजा नहीं की थी यहाँ पर, तो इस बार बहुत अच्छे से पूजा हो गई हम लोगों की। तो आज आप लोगों को ये कामाख्या मंदिर वाला ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। नेक्स्ट ब्लॉग भी असम और मेघालय के ऊपर है, तो प्लीज़ मिस मत कीजिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।